नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, पिछले 24 घंटे में 326 नए कोरोना पॉजिटिव, 380 हुए डिस्चार्ज, 4 लोगों की मौत। बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई शहर में बारिश के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण करेंगे। कर्नाटक, आपने बीजेपी की आलोचना की, बीजेपी पर राशन चोरी करने का आरोप लगाया। बेंगलोर, विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय बीए बीएससी ऑनर्स कोर्स शुरू किया। आईटी द्वारा खोजी गई संस्थाओं में कर्नाटक कांग्रेस की इमेज कंसल्टेंसी फर्म। आयकर विभाग ने बेंगलुरु, सूरत, चंडीगढ़ और मोहाली में 7 स्थानों पर संस्थाओं की तलाशी ली है और बेहिसाब निवेश और फर्जी खर्च का पता लगाया है। बेंगलुरु में ग्रोइंग सीरीज सीडलिंग कार्यक्रम, आज सेंट मार्क सर्कल के पास ट्रैफिक पार्क में स्कूली बच्चों को कोविड नियमों और यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने के लिए ग्रोइंग सीरीज सीडलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नाटक, बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफल, मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हुआ था 90 बच्चों पर परीक्षण। बेंगलुरु में कोविड के आधे मरीज 19 से 40 आयु वर्ग के, पाबंदियों की अंधे की बना बड़ा कारण, चिकित्सकों ने कही ये बात। असम, आईएसआई ने आरएसएस नेताओं पर हमले की रची साजिश, पुलिस ने जारी किया अलर्ट। चेन्नई, इमारत के ड्रेनेज पाइप के रास्ते 8वीं मंजिल पर फ्लैट में जाने की कोशिश कर रहे युवक की गिरने से मौत। सत्यपाल मलिक बोले, मैं राज्यपाल था तो श्रीनगर के 50 किलोमीटर दायरे में नहीं घुसते थे आतंकी। कोविड-19 इंडिया, 24 घंटे में 13,596 नए मामले, 166 की मौत, एक्टिव केस में गिरावट जारी। नई दिल्ली, आज से पूरी क्षमता के साथ उड़ेगी घरेलू उड़ाने, कोरोना के कारण लगा था प्रतिबंध। केरल, देखते ही देखते पूरा घर नदी में समा गया, भारी बारिश से नदी में आया सैलाब। पंजाब चुनाव 2022, नवंबर में हो जाएगा फैसला, किसके साथ जाएगा पंजाब। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने में लगी हुई हैं। पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर ने 2 लड़कियों को कार से कुचला, एक की मौके पर मौत। पंजाब, हेलीकॉप्टर क्रैश के 75 दिन बाद मिला कैप्टन जोशी का शव, यूनिफॉर्म से हुई शिनाख्त। सीएम पद छोड़ने के बाद तीसरी बार दिल्ली दौरे पर कैप्टन, गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। दिल्ली, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वाहन चालकों को रेड लाइट पर भेंट किए गुलाब के फूल, गाड़ियों की अपील। कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर, दिल्ली में हुई पहली मौत, अब तक सामने आए 723 केस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, सपा ने योगी सरकार को घेरा। महाराष्ट्र, कल्याण की जेल में 20 कैदी कोरोना संक्रमित, थाने के अस्पताल में कराए गए भर्ती। पुणे में महिला सैन्य अफसर ने की खुदकुशी, पति ने लगाया ब्रिगेडियर पर गंभीर आरोप। हार्दिक पांडे बोले, धोनी मेरे भाई की तरह, हर मुश्किल घड़ी में मिलता है उनका साथ। बिहार बाय इलेक्शन, चुनावी समर में उतरे चिराग पासवान, बोले इस बार जेडीयू की जमानत तक जब्त होगी। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश, रोहतांग पास समेत आसपास की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं के 20 घरों में लगाई आग, पुलिस के साथ झड़प। मोदी फोन नहीं उठा रहे, बाइडेन की नहीं आ रही कॉल, इमरान खान पर मरियम नवाज ने लिए मजे। अब चांद पर भी ऑल टाइम रहिए कनेक्टेड, वाईफाई लगाने की तैयारी कर रहा नासा। पावर कट से औंधे मुंह गिरी चीन की इकोनॉमी, सितंबर तक 4.9% दर्ज हुई ग्रोथ। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।